मंडे मॉर्निंग हम सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें लगता है कि जिंदगी सही नहीं जा रही यार, क्या हो रहा है यार, बाकी लोगों के पास कितना कुछ अच्छा है। आपकी मुलाकात इस इंसान से करवाती हूँ, आपके सारे मंडे ब्लूज भाग जाएंगे। सो इमेजिन दिस, ये लड़का, इसने शुरुआत करी थी बंबई की गलियों से जब ये 9 साल का था, बिल्कुल अकेले, इसके माँ बाप उसको छोड़ के चले गए थे। 9 साल की उम्र में था, कहीं रहने को नहीं था, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, अलग अलग लोगों के पास गया, कभी मालियों के साथ रहता था, कभी वो नहीं होते जो टेंट लगाते हैं उनके साथ रहता था, कभी क्रिकेट की फील्ड में जो लोग फील्ड को साफ करते हैं उनके साथ रहता था, उनके साथ खाना बनाता था, डेयरी में काम करता था। और आज यही बच्चा श्रीलंका जा रहा है अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ। गेस हू ही शेयर्स अ रूम विद? अर्जुन तेंदुलकर। यशस्वी पिछले 8 साल से आई थिंक क्रिकेट खेल रहे हैं, एम आई राइट यशस्वी? जी। और आप कहाँ रहते हैं? मुंबई में। आप कितने साल पहले मुंबई आए थे यशस्वी? लगभग 7 साल पहले। कहाँ से आए थे? मैं यूपी से आया था, भदोही जिला। तो आप यूपी से मुंबई कैसे पहुँचे? यूपी से मुंबई बस ऐसे ही, पापा का कुछ काम था, उनके साथ आ रहा था, तो वैसे ही आया, और मुझे आना भी था क्रिकेट खेलने, ऐसे ही मतलब पापा। तो आपके पापा आपके साथ रह रहे थे मुंबई में अभी इतने साल? वो कुछ दिन थे हम मेरे साथ, ज्यादा दिन नहीं। तो आप अभी कितने साल के हैं? अभी मैं 17, मतलब रनिंग हूँ 17। तो अगर आप 8 साल पहले आए थे तो आप 9 या 10 साल के थे? हाँ इतने ही था। तो आपके पापा आपको बॉम्बे में छोड़ के चले गए? मैं जिद पे था कि मुझे बोल रहे थे वापस चलने, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मुझे खेलना है। आप तो आपके पापा मान के वापस यूपी आ गए? हाँ। 9 साल के बच्चे को छोड़कर? हाँ। फिर आप कहाँ रहे? स्टार्टिंग में तो कुछ दिन मैं अपने मतलब चाचा के यहाँ पे रहा, पर फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था रहने का, उतना स्पेस वगैरह नहीं था, तो फिर उसके बाद एक और चाचा थे उनके यहाँ पे गया, गालबा डेयरी में, तो वो कुछ दिन रखे, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम नहीं रख सकते, आप अपना देख लो। फिर उसके बाद एक मैच था, एक हमारे ओनर है जो मुस्लिम यूनाइटेड के, तो मुझे बोले थे कि अगर तू इसमें अच्छा करेगा तेरे को यहाँ टेंट में रहने मिल जाएगा, तो मैं वो मैच में अच्छा कर गया, तो फिर वहाँ पे टेंट में रहने लगा। टेंट में? जी। टेंट बोले तो? टेंट बोले तो जैसे कि ग्राउंड में जो जहाँ माली लोग रुकते हैं ना, वहाँ पे वहीं पे रहने लगा ग्राउंड के, मतलब ग्राउंड जस्ट ग्राउंड पे जो रुक के ग्राउंड के विकेट वगैरह बनाते हैं वहाँ पे, उसको। कितने दिन तक रहे आप वहाँ पर? 2 या 3 साल रहा हूँ। तो अभी भी आप टेंट में ही रह रहे हैं? नहीं, अभी तो वो ज्वाला सर है, उन्होंने मुझे। ज्वाला सर कौन है? जो एक टाइम पे मतलब जब मैं बहुत प्रॉब्लम में था तो उन्होंने मेरा मुझे साथ दिया। कितने साल के थे तब आप? 4-5 साल पहले मिले थे। 17 साल के आप अभी हैं, तो 13 साल की उम्र में, 12-13 साल। सर को किसी ने बताया इस लड़के का है प्रॉब्लम, ऐसा कैसे नहीं है, आप उसका हेल्प कर सकते हो क्या? तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर पे, तो मैं उनके घर पे गया, तो बोले ठीक है बेटा, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी से तू यहाँ पे रहना, मैं तेरा सब कुछ देखूंगा करूंगा। तो मैं बोला ठीक है सर, फिर मैं वहाँ पे रहता हूँ, फिर उनके साथ चला गया। और इस टाइम मतलब अगर सर नहीं होते तो मैं खेल ही नहीं पाता क्रिकेट, ऐसा हो गया था उस टाइम पे। तो आपको क्रिकेट इतना अच्छा लगता है? जी, मुझे मेरे लाइफ में सबसे अच्छा एक ही चीज लगता है, क्रिकेट। कब हुआ आपका सिलेक्शन अंडर 19 में? ये अभी अभी हुआ, कुछ डेढ़ महीने पहले। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। तो आप सबसे ज्यादा किसके फैन हैं? सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर सर का हूँ, विराट भाई का भी हूँ, और वसीम सर का हूँ। एक बात बताइए, आप भी उसी टीम का हिस्सा हैं जिस टीम का हिस्सा अर्जुन तेंदुलकर है, राइट? जी, वो मेरा रूम पार्टनर भी है। वो आपका रूम पार्टनर? बॉम्बे से है ना। वाह, आप सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ रूम शेयर कर रहे हैं? मैं उससे बोला भी हूँ, अपने पापा से मिला, तो बोला हाँ मिलाऊंगा। पक्का मिलाएगा? हाँ मिलाएगा, अच्छा दोस्त है मेरा, और बहुत अच्छी बॉलिंग भी डालता है इस टाइम तो। और आप क्या अच्छी करते हैं? मैं बैट्समैन लेग स्पिनर हूँ। आई होप आप दोनों बहुत आगे जाए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए यशस्वी। माई प्लेजर टू, माई ऑनर टू, किसी टू यू। या थैंक यू। जिंदगी कितनी अजीब होती है, इमेजिन ही शेयरिंग अ रूम विद सचिन तेंदुलकर सन, जो इतने नाजों से पले हैं। ये लड़का 9 साल की उम्र में छोड़ दिया गया था, टेंट शेड्स में सोया है, और आज उसी कमरे को शेयर कर रहा है। आई लव इट। आज ना हो सके
तो अपनी जिंदगी का एक मिनट निकालिएगा जिस भी भगवान को मानते हैं उनके सामने सर झुका के यशस्वी के लिए एक छोटी सी प्रेयर जरूर करिएगा। आई लव फाइटर्स लाइक दिस मैन, लव देम। रेडियो सिटी 91.1 पर गुड मॉर्निंग।